आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ता ही जा रहा है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या केमिकल इम्बेलेंस की वजह से फिजिकल कंडीशन है। हम जब भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके सिर्फ एक साइड पे काम करते हैं, हमारी होल अप्रोच नहीं होती। कोई अगर सैड फील कर रहा है तो उसका मन सैड सॉन्ग सुनने का करता है और वो और ज़्यादा सैडनेस में चला जाता है, और जब किसी का मूड अच्छा होता है तो उसका डांस म्यूजिक सुनने का मन करता है। इससे ये पता चलता है कि पावर हमारे हाथ में है, जो हम चुनेंगे वैसा ही होगा। डिप्रेशन में जो केमिकल रिलीज होने चाहिए वो नहीं हो पाते, बल्कि स्ट्रेस हार्मोन ब्रेन में बनता है। डॉक्टर आपकी फिजिकल स्टेट देखकर दवाई देता है ताकि ब्रेन में जो केमिकल इम्बेलेंस है वो ठीक होने लगे, लेकिन दवाई आपकी फिजिकल स्टेट पे काम करेगी और साइकोलॉजिकल पे आपको खुद काम करना पड़ेगा, वरना दवाई का कोई फायदा नहीं होगा। साइकोलॉजिकल पावर आपके पास है, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे जब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज ये फैसला करो कि बहुत हुआ, अब मुझे नहीं रहना है इस हाल में, मैं उठूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। आज से मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। एक गोल चुनो और उसके पीछे ऐसे लगो कि सबको पीछे छोड़ दो। जो करना चाहते हो वो करो, देखते हैं आज तुम्हें कौन रोकता है। और निकल जाओ इस बेकार जिंदगी से, उस आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने डर का सामना करो और तोड़ दो हर वो दीवार जो तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में आए। आज दिखा दो इस दुनिया को, मैं जिंदा हूँ, मैं अभी मरा नहीं।